कक्षा 10 विषय संस्कृत व्याकरण पर चर्चा करेंगे। पिछले दिन हम आपको स्वर संध की परिभाषा, स्वर संध के भाग पर प्रकाश डाले। अब उसके चौथे भाग यण संध पर हम आपको जो है ले चलते हैं। यण संध का सूत्र है एको यणच। इसका नियम है यदि ह्रस्व या दीर्घ ई छोटी बड़ी छोटा बड़ा तथा री ली इक के बाद स्थान स्वर आए तो उसके स्थान में क्रमशः य व र ल यण हो जाता है। उदाहरण तौर पर देखिए, पहला उदाहरण इसका है ई या ई छोटी ई या बड़ी ई के बाद कोई अस्वान स्वर आने पर यह धन स्वर। अर्थात जैसे यदि धन अब बराबर यद्य, यदि में ई है छोटी ई है और अब में आ है तो क्या देंगे, यह हो जाएगा इति धन आद इत्यादि। इत में छोटी आद में आ है तो मिलाएगी यह हो गया अति धन अल्प अत्यल्प है। अत में छोटी ई अल्प में आ है दोनों में आदि क्रिया हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए शुद्ध धन उपास्य बराबर शुद्ध उपास्य है, अर्थात बड़ी ई धन छोटा बराबर छोटा ई। नदी धन उर्मी तथोर नद्यूर्मी, नदी में बड़ी है उर्मी में बड़ा हुआ है दोनों में आदि क्रिया यू हो जाएगा। अल धन उदया दूधे है अग में छोटी छोटी और उदया में छोटा दोनों में जाएंगे यू हुआ। प्रत्युपकार है प्रत्युपकार है प्रत में ई है छोटी है बड़ा छोटा ऊ बराबर यू। आगे देखें दधन यत्र दध्यत्र है दन में ई है यत्र में यह है दोनों में जाएंगे यह हो गया। अब उदाहरण दूसरा देखें ऊ या बड़े ऊ के बाद अस्वान स्वर आने पर वह धन स्वर जैसे मधुघन अरि मध्वरि, अर्थात मधु में कु है अर में आ है दोनों में जाएंगे वह हो गया। आगे देखिए सुधन आगतम स्वागतम, सु में कु है आगतम में आ है दोनों में जाएंगे वह हो गया। बधन आदेश है बध्वादेश है बधु में बड़ा उ है आदेश में आ है दोनों में जाएंगे वह हो गया। गुरुधन आदेश है गुरुवादेश है गुरु में आ है आदेश में आ है दोनों मिलाएंगे वाह हो गया। आगे है उदाहरण नंबर 3 री या र के बाद अस्वान स्वर आने पर प्रधान स्वर, अर्थात पीत धन आदेश है बराबर पित्रादेश है। पीत में री है आदेश में आ है री और आ मिलकर के रा हो गया। पीत धन आज्ञा पित्राज्ञा री धन आ बराबर रा। अगला उदाहरण देखें धातु धन अंश बराबर धातु अंश है धातु में री है अंश में अ है री और अंग बराबर रंग। लास्ट उदाहरण चौथा देखें ली के बाद अस्वान स्वर आने पर ल धन स्वर जैसे ली धन आकृति बराबर लाकृति। अब ली धन आ दोनों जोड़ देंगे ल हो गया। इस प्रकार से पिछले दिन भी हम आपको स्वर संधि के भाग में ठीक भाग को ही बताए थे, उसके स्वर संधि के विभिन्न भाग हैं। और इसके लास्ट भाग अयाद पर जो है कल चर्चा करेंगे। बस व्याकरण आज इतना ही होता है।